करेंगे। सीएम बघेल ने गौधन न्याय योजना को लेकर जिक्र किया है। पीएम ने भाषण में गोबर से आय होने की बात शेयर की है। हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, ये बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। हमारी नेता ने यूपी में अपनाया, यानी प्रियंका गांधी ने यूपी में अपनाया, और गुजरात मॉडल वालों ने आज मंच से छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया, इस बात का जिक्र किया है सीएम भूपेश बघेल ने। गुजरात मॉडल वालों ने आज मंच से छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया, संबोधन में कहा, इस बात का जिक्र किया है सीएम भूपेश बघेल ने। साफ तौर पर कहा कि हमने ये कर दिखाया। और सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी आपको दिखाएंगे। ट्वीट में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि हमने कर दिखाया, छत्तीसगढ़ में हमने कर दिखाया। सीएम बघेल ने गौधन न्याय योजना को लेकर ट्वीट किया था। हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में अपनाया, यानी प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया है। गुजरात मॉडल वालों ने आज मंच से छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया, गौधन न्याय योजना का जिक्र ट्वीट में किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वाले गौधन न्याय योजना वाली योजना को जिक्र किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वाले मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताया और कहा कि मंच से इसे गुनगुनाया। सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले एक साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक है, जो गोबर विक्रेता है, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाए। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है।